आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 25 नवंबर की ईश्वर वरदान की, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम परमात्मा के साथ का जो प्रेम है उससे जुड़े रहें और हर कार्य जो है परमात्मा का दिया हुआ वो कर पाए और अधिकार पाए परमात्मा से। तो परमात्मा चाहते हैं कि हमारे इनके साथ में समीपता जो है, दिल की समीपता, वो क्लोज हो ताकि वो हमें सहयोग करें। ये कंडीशन तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हम खुद बना लेते हैं। परमात्मा का हमेशा सहयोग आता है, हमेशा प्रेम आता है, लेकिन हमारा ही उनके साथ में जुड़ना प्यार से वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम या तो उनके साथ जुड़ते हैं या फिर दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भावा। पुरुषार्थ किस चीज़ का कर रहे हैं? अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हटाने का, ताकि हम दुनिया को ब्लेम ना करें, लोगों को ब्लेम ना करें, अपने आप के अंदर की कमी कमजोरी को हटाएं। और फिर वो तब हो पाएगा जब हम परमात्मा से प्यार से जुड़े हुए हों। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है। दिल के समीप होना मतलब क्या हुआ? परमात्मा अगर हमारे रचयिता है तो उन्होंने किस रूल और लॉ के साथ में दुनिया को रचा था, और उस रूल और लॉ और कर्मा के अनुसार अगर हम अपने आप को भी ढालें, उसके अनुसार हम चलें, तो हम उनके समीप हो जाते हैं। किसके? रचयिता के, क्रिएटर के, पिता के, परमात्मा के, गॉडफादर के, अल्लाह के, यहोवा के। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना। इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना। कमजोर बनना मतलब क्या हो गया? ऐसे सिंपल सी चीज है कि हमारे अंदर अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी या क्रोध है या डर है, तो उसको ओवरकम करने के लिए परमात्मा का सहयोग मेरे साथ सदा है, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई हैं कि मैं वो जो लॉ और जो रूल्स बनाए परमात्मा ने दुनिया जिससे कि सही तरीके से चले, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। किसी को कटु वचन कहना, किसी को दुख देना, किसी से तू तुम हमें करना, किसी को क्रोध दिखाना, किसी को अहंकार दिखाना, ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा के रास्ते से दूर लेके चली जाती हैं, और फिर हम खुद ही परमात्मा से सहयोग नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस नीचे आ जाती हैं उनसे। वो एक हायर प्योर वाइब्रेशन है, और उनसे अगर सहयोग चाहिए तो हमें उनकी सारी बातों को मान करके, उनके जैसे ही पवित्र बन करके उनसे हमें वाइब्रेशंस लेनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना, क्योंकि परमात्मा का सदा सहयोग है हमारे साथ में। फिर परमात्मा कहते हैं, बाप कंबाइंड है किसके साथ में? हम आत्मा के साथ में। परमात्मा भी बंधा हुआ है कि हमें वो पवित्र बनाए, हमें रास्ता दिखाए, और जो ड्रामा भी है वो भी हमें रास्ता दिखाए, और उनके साथ मिलकर के हमें पवित्र बनाए और हमें शक्तिशाली बनाए। तो परमात्मा भी बंधा हुआ है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। क्या होगा, कैसे होगा, मेरे अंदर ये भी कमजोरी है, मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मेरे अंदर ये गलती है, मेरे को अभी भी चिड़चिड़ापन आता है, या जो भी चीज है, तो परमात्मा कहते हैं ये कमजोरी व दिल शिकस्तपन की नहीं हो सकता दूर, मैं नहीं कर पा सकता दूर, उसको बहुत टाइम हो गया, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दिए हुए, मेडिटेशन करते हुए, अभी भी नहीं खत्म हुई मेरी कमजोरियां, ये दिल शिकस्तपन नहीं करना। परमात्मा कहते हैं बाप के हवाले कर दो इसको, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। क्या चीज का? कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमात्मा से जुड़े रहना है, उनके प्यार में रहना है, उनकी बात को मानना है, और ऑटोमेटिकली समय पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कमजोरियां निकल जाएंगी सारी। मुझे इसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ, इस पर थोड़ा सा टेंशन देना है, लेकिन टेंशन नहीं। ये सब कुछ कब हो पाएगा, इसकी और गहराई में कैसे जाएं, अपने अंदर की कमजोरियां कैसे हटाएं, इसके लिए आपको संपूर्ण ज्ञान लेना ब्रह्म कुमारी बहुत जरूरी है।
यही चीज तो सिखाई जाती है ब्रह्म कुमारीज में कि अपने अंदर की कमी कमजोरियों को कैसे निकाला जाए। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता लेकिन हमें धार्मिक बनाया जाता है। इसी के साथ ओम शांति।